यूसी लाइव टीम, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट आप सभी को, मैम को, सारे टीचर्स को। मैम मुझे बस आज आपको एक मैसेज भेजना था। सॉरी मैंने आज तक मैम कभी कोई फालतू कॉमेंट मैसेज कॉल कभी नहीं किया आपके हेल्पलाइन नंबर पे, बट मैम आज मेरे को करना पड़ा। ओके मेरे को लगा, पहले तो लगा कि कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं यूट्यूब स्टूडेंट है ये यूट्यूब, ठीक है मैम। मैं स्टेनो की तैयारी कर रही हूँ, अक्टूबर में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा और मैम मैंने पूरा ट्राई करूंगी कि आपके पास सिलेक्शन लेकर मीटअप में आ, इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया है, ठीक है मैम। आप यहाँ से तारीफ शुरू हो गई, अपनी तारीफ पढ़ने कुछ अजीब सा भी लगता है। मैम आप इतना कैसे कर लेते हैं हम सब बच्चों के लिए, मतलब कैसे इतना आप जो फ्री कंटेंट दे रहे हैं, मैं कैसे थैंक यू करूँ आपको समझ नहीं आ रहा। आज मैंने ए टू जेड इडियम्स कंप्लीट कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से, पी वाई क्यूज रॉन्ग नहीं हो रहे हैं। मैंने आपका प्रैक्टिस बैच भी परचेज किया है, सब है बैच हमारे बैच में है। द फरवरी में मुझे काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, अब नाम नहीं पता है मुझे, उनका नाम नहीं पता, ठीक है इसका मतलब ये बैच में है, फरवरी वाला बैच मतलब इसी बैच। मुझे काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला सच में। मैं आपको मक्खन नहीं लगा रही, ओके ध्यान से सुनो, इसने बोला है, इसके दिल से, इनके दिल से बातें निकल के आई है। मैं आपको मक्खन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैम सच में आपसे इतना मेहनत, आप जब बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हो हमारे लिए, तो भगवान का मन में आपके लिए कर रहे हैं, भगवान के मन में आपके लिए अलग ही जगह बन चुकी। कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हो आप, बस यही सोच, मैं बस यही सोचती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, आपकी बेटियाँ, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, बहुत अच्छे अच्छे विशेष मन से निकलता है आपके लिए सच में मैम। देखो इतना अच्छा बच्चे ने मैसेज दिया, मतलब किसी से किसी को ब्लेसिंग्स और दुआ मिल जाए ना, या बड़े हो या छोटे हो, तो ये तो बहुत इमोशनल होता है, ठीक है किसी कोई किसी से विश मिल जाए। मैं रोज अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मैम इतनी मेहनत करती है, इतना फ्री कॉन्टेंट प्रोवाइड करती है यूट्यूब पे, तो मम्मा कहती है कि तुम भी बेटा फटाफट सिलेक्शन लो और फिर मैम से मिलने जरूर जाना। लेकिन मैम पता नहीं आपको, अब भगवान से पेरेंट्स के लिए प्रे करते हैं ना, तो आपके लिए भी जरूर करती हूँ दिल से। बताओ ये तो बहुत इमोशनल है, बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए प्रे कर रहा है, अपने प्रेयर में अपने टीचर को रखा है, तो उसे लकी चीज और क्या हो, उसने प्रेयर में भी मेरे को रखा है। हाँ जरूर करती हूँ, सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन आप कुछ इमोजीज भेजा है, मैं कुछ कहूँ क्या आपके लिए। हाँ हम सब बच्चे आपके लिए 7 जन्म में भी सब नहीं कर पाएंगे जो आप हमारे लिए करते हो, आप 1 जन्म में करके दिखा, घंटों घंटों खड़े रहकर आप बच्चों को पढ़ाते हो, कमेंट्स देखते हो, आपकी टीम सब हार्ड वर्क करते हैं, बस आपकी टीम भी स्वस्थ रहे। बताओ टीम के लिए भी कितना क्लीन प्योर सोल है, टीम के लिए भी प्रे करती हूँ कि आपके टीम के लिए भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको नजर ना लगे, थैंक यू। ओके फिर आ रहा है मैम आगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सिलेक्शन लेके जरूर आपसे मिलने आऊंगी, आपका आशीर्वाद चाहिए, यू आर बेस्ट नो डाउट, यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग लेडी। हाँ वो तो खैर मैं माँ की मेहनत होती है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद देखो ना लास्ट में मिलता है कि मैम की शादी होने के बाद पढ़ाना शुरू किया, इतना स्ट्रगल किया, मम्मी सब सुनती है और कहती है मुझे जरूर मिलना है तुम्हारी मैम से, मैम पेरेंट्स को लेकर जरूर आऊंगी आपके ऑफिस में, और आप अपना ख्याल रखना। अब इंटरेस्टिंग चीजें देखना मैम आपके, आप अपना ख्याल रखना, आपके आंखों का डार्क सर्कल्स देख के पता लगाया जा सकता है कि आप बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हो। अब जाके मैं डार्क सर्कल्स पे वर्क करूं के करती हूं, कंटिन्यूअसली खड़े रहते हो, थैंक यू सो मच, सिलेक्शन लेके जरूर आऊं। ओके तो थैंक यू, जो भी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम तो नहीं जानती हूं, पता नहीं क्या नाम, मुझे मेरी टीम ने फॉरवर्ड किया, तो मतलब इन्होंने 6-7 पैराग्राफ का लिखा मेरे लिए, इन्होंने इतना ज्यादा टाइप किया, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड कि इन्होंने अपना टाइम दिया लिखने की, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे अपने विशेष में रख, इससे आज के डेट में कौन किसे अपने विशेष में रखता है, दुआ देता है, तो एक स्टूडेंट जो मेरे से इतने छोटे हैं मेरे लिए विश कर रहे, तो मैं हमेशा स्वस्थ रहूं।